हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही मतलब एक संदेश से भरा हुआ है जो माता रानी ने जाते जाते दिया है और 2 मिनट का ही वीडियो है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही मतलब बड़ा संदेश है आजकल की जनरेशन के लिए भी है। यहाँ तक आए हो तो हमसे मिलते हुए तो जाओ, तुम आए और मिले भी नहीं और चले जा रहे हो। मिले तो माता जी आपसे, आपके पास ही तो खड़े थे। तुम मेरे पास तो खड़े थे लेकिन मेरे साथ नहीं थे। मेरे पास होकर भी तुम मुझसे दूर थे, क्योंकि तुम आए मेरे पास लेकिन मेरे पास आकर भी तुम्हारा ध्यान मेरे पास नहीं था। तुम सिर्फ वो वीडियो और फोटो में ही लगे हुए थे और उसके बाद पास आकर चले गए। तो माता रानी का यही संदेश देना चाहती हैं कि जब भी हम मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाते हैं पूजा अर्चना के लिए, तो पहले अपना ध्यान वहाँ पर लगाएँ और अच्छे से पवित्र मन से श्रद्धा से पूजा अर्चना करें। जो भी भगवान है, गणपति बप्पा हैं या माता रानी है, सबका आशीर्वाद लें अच्छे से। उसके बाद फिर हम जो भी फ़ोटो वीडियो हमें करना है वो लेना है और निकालिए, क्योंकि कई तो मंदिर में बंद भी रहते हैं कि वहाँ फ़ोटो वीडियो नहीं लेना मना रहता है, तो वहाँ पे तो अलग ही बात है। लेकिन आजकल यही है, आज की जनरेशन में यही है कि जो भी मंदिर जाता है तो सबसे पहले सोचता है फ़ोटो ले लूँ, वीडियो ले लूँ सोशल मीडिया पे डालने के लिए। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी अभी यही है कि फ़ोटो निकालना है, वीडियो डालना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमें करना चाहिए, और पहले पूजा श्रद्धा मन से कर लें, उसके बाद फिर हम जो है वीडियोस फ़ोटोज़ जो हमको करना है करिए। क्योंकि आजकल घरों में देखेंगे आप लोग कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो अपना मोबाइल लिए हैं और अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, पेरेंट्स भी अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, एक साथ एक घर में सब हैं लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही, सब अपने अपने मोबाइल में हैं। पास एक घर में रहकर भी लोग एक साथ नहीं हैं, आप ये कह सकते हैं। तो आप ये जो मैसेज है माता रानी का, ये आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर करिए जिससे ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी कुछ अच्छा लगे, तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और प्रेम से बोलिए सब लोग, जय माता दी, शेरा वाली माता की जय हो।